भारतीय मोदी आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कोलकर का जन्मदिन चेंबूर के घाटला गांव में स्थित महानगर पालिका स्कूल में मनाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में उनके चाहने वालों व समर्थकों की भीड़ थी। स्कूल के बाहर बड़े बड़े तमाम बोर्ड लगाए गए थे जिसमे लिखा था भावी आमदार धनंजय कोलकर साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन के अवसर पर न्यूज इंडिया 24 से बात करते हुए कोलकर ने कहा कि वह पिछले 25 सालों से चेंबूर करों की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, आगे भी उनकी सेवा करते रहेंगे। वहीं धनंजय कोलकर के समर्थकों व चाहने वालों का कहना है कि चेंबूर विधायक बनकर धनंजय लोगों की सेवा करें, यह हमारा सपना है। इस अवसर पर नगर सेवक महादेव शिवगढ़, समाज सेवक सुभाष मराठे व भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी लोगों ने धनंजय कोलकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तो मैं पक्ष संगठन के नाम से सेवा करता था, आज वैयक्तिक धनंजय कोलकर इस नाम से मेरी जो सेवा है वो चालू रहेगी, ये मैं घोषित करता हूँ। चेंबूरकरों को यही बोल रहा हूँ कि मैं उनके सेवा में पहले भी कार्यरत था, अब भी रहूँगा और आगे भी रहूँगा। सामाजिक प्रतिष्ठान जो हमारे नवनाथ थोरात जी है उन्होंने बनाया हुआ बोर्ड है वो, मगर उनके कहने से मैं सहमत हूँ क्योंकि मैं गए 25-30 सालों से राजनीति में, समाज कारण में चेंबूर के कार्यरत हूँ, मगर सामाजिक जीवन में मुझे खुद ऐसा लगता है कि मुझ पर अन्याय हुआ है, तो मुझे मेरी जगह इस माहौल में ढूंढनी है, तो मुझे प्रयास करना है कि मैं इस माहौल में कहाँ पे हूँ और मेरी क्षमता क्या है, इसलिए ये सब प्रयास चालू है। नहीं तो बड़े पैमाने में मेरा जन्मदिन हर जगह मनाया जाता है। आज 14 जुलै आहे। माझा मित्र, माझा सहकारी चेंबूर प्रतिष्ठान, युवा चेंबूर प्रतिष्ठानचा माझा प्रमुख, ज्यांनी अध्यक्षपद आमच्या संस्थेचं भूषवलं आणि त्याच्या कार्यकाळात आम्हाला खूप चांगलं काम करता आलं चेंबूरमध्ये, त्याचा आज वाढदिवस आहे। मी माझ्या मित्राला जन्मदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो, त्याला दीर्घायुष्य लाभो, आरोग्यमय त्याचं जीवन त्याला जगता यावं। त्याने आपल्या जीवनात खूप लोकांना सहकार्यांना एकत्रित केलं, खूप चांगलं काम आहे, सगळ्यांना आपलासा करणारा, सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाणारा आणि सामाजिक बांधिलकी ठेवून समाजात काम करणारा असा माझा मित्र धनंजय, त्याचा आज वाढदिवस। मित्राला पुन्हा एकदा खूप खूप वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि त्याचा इच्छा पूर्ततेसाठी सदिच्छा व्यक्त करतो। मी उनको सिर्फ शुभेच्छा देने के लिए आया नहीं हूँ, बल्कि मैं भारतीय जैन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाड़ा साहब भोसले, आज मेरे पार्टी के लाखों कार्यकर्ता की तरफ से, लाखों समाजसेवकों की तरफ से उनको मन से हार्दिक शुभकामनाएं देने आया हूँ और उनके राजकीय भविष्य के लिए आगे भी मेरी पार्टी उनको हर टाइम सहयोग करेगी और उनके लिए मेरे पार्टी के, अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो मेरे पार्टी के सभी युवा वर्ग लोग उनके लिए जी जान तोड़ के मेहनत करके उनके सीट चुन के लाएंगे, वो आगे की बात है। लेकिन आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं और धनंजय कोलकर जी को 100 साल की अच्छी सेहत की और अच्छे सामाजिक जीवन और अच्छे बढ़ते उनके बढ़ते के लिए ईश्वर आशीर्वाद दे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं तो ऐसे मानता हूँ कि वो भावी आमदार नहीं है, हमारे सभी युवा वर्गों ने उनको मन से आमदार मान लिया है और वो भावी आमदार तो है। सभी धनंजय कोलकर सामाजिक प्रतिष्ठान के सभी कार्यकर्ता के लोगों के लिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, लेकिन वो आमदार बने और मंत्री भी बनेंगे, बीजेपी की सरकार आगे भी आएगी और मेरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को, धनंजय कोलकर जी को सहयोग करेगी।
भारतीय मोदी आर्मी के जो मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष है सम्माननीय धनंजय जी कोलकर सर, उनका आज बर्थडे है और उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए आप देख रहे हैं कि सब तमाम अलग अलग पार्टियों के भी राजनीतिक दल के अलग अलग लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो इनकी आप इसे एक आप समझ सकते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी कितनी है और उनको और युवा दिलों की तो धड़कन है ही है। तो आप देख रहे हैं आज उत्साह भर एक वातावरण ऐसा हुआ है। तो मैं प्रभाग समिति अध्यक्ष मराठे मैडम आशाताई मराठे मैडम के तरफ से और मेरी परिवार की तरफ से मैं उनको खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनके भावी करियर के लिए पॉलिटिकल करियर के लिए भी उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी चेंबूर विधानसभा का महामंत्री होने के नाते आज मैं धनंजय कोड़कर जी को यहां पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर आया हूं और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जनहित कामगार संघटने महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आणि संघटनेच्या वतीने मी शुभेच्छा दिल्या देण्यासाठी आलेलो आहे। धनंजय कोलकर यांना भावी आयुष्य सुखाचे समृद्धीचे जावो इस ईश्वर चरणी प्रार्थना। धनंजय कोलकर जी हमारा प्यारा दोस्त है, बहुत दिनों से वो हमारा भाजप के सक्रिय कार्यकर्ता भी है, आज नेता भी है और सबको सेवा करने वाला है। उसके जन्मदिन है, इस अवसर पर हम उसको जन्मदिन की शुभेच्छा देने के लिए आया है। अगर धनंजय जी आने वाले दिन में ऐसे लोगों का सेवा करे, अगर उसको अपना पार्टी की तरफ से उसको अच्छे से पद देना चाहिए। वो आज मोदी आर्मी की संस्था में वो आज मुंबई के अध्यक्ष है और आने वाले दिन में उससे अच्छा पद मिलना चाहिए और लोगों की सेवा करना चाहिए। हमारे जो धनंजय सर जो है, धनंजय कोलकर डीके भाई जिसको हम कहते हैं, प्यार से डीके भाई कहते हैं, लेकिन वो हमारे युवा हृदय सम्राट है जिन्होंने आज तक समाज में अपने लिए और सभी के लिए बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और अभी भी आगे करने की उम्मीद है। हम चाहते हैं कि हमारे इस इलेक्शन में हमारे लिए विधायक आमदार MLA हमारे रूप में हमारे चेंबूर को मिले एक बार धनंजय कोलकर जी, क्योंकि अभी उनकी काफ़ी अच्छी ज़रूरत है और बहुत टाइम हो गया उन्होंने लोगों के साथ व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पे काम कर करके उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। बट अभी एक्चुअल प्रूफ उनका जो टाइम आ गया वो करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम आज अपने युवा हृदय सम्राट जो धनंजय कोलकर जी है उनको हम अपने आप को समाज में और इस चेंबूर में अपने आप को उनको प्रेजेंट कर रहे हैं और आज ये बर्थडे जो उनका माहौल क्रिएट किया है वो बर्थडे ही आपको काफ़ी अच्छा मैसेज देगा कि धनंजय कोलकर जी अभी क्या है इस चेंबूर में और आने वाले कल में चेंबूर में क्या होंगे और समाज के लिए वो काफ़ी अच्छा थिंकिंग उनके बारे में रहा है। चेंबूर को उज्ज्वल बनाने के लिए वो जो भी कर सके अभी तक करते रहे हैं, आने वाले टाइम में वो आमदार बन के भी करेंगे ये 100%। और मैं आपको लिख के देने की गारंटी कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास जो उन्होंने काम किया है और जो उसका जो लोगों तक उन्होंने मैसेज पहुँचाया है उसका कोई जवाब ही नहीं आज तक। आमदार ने भी क्या किया होगा कम कर करके कि फंड से काम किया होगा, उन्होंने खुद के जेब से काम किए, खुद का पैसा इन्वेस्ट करके लोगों के काम किए। तो ऐसा आमदार तो हमें भी चाहिए, ज़रूरी है हमारे चेंबूर को। इसी तरीके का हम आपको मैसेज देना चाहते हैं और उनके जन्मदिन पे हम उनको जन्मदिन की खूब ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। इसी तरीके से वो उज्ज्वल रहे और उनकी आयु बढ़ती रहे और वो समाज का काम और समाज के जनता के हित के काम करते रहे, यही हमारा आप लोगों से मैसेज है। और धनंजय भाई को खूब खूब ढेर शुभकामनाएं उनको हम जन्मदिन के बारे में देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। कि हमारे जो भावी आमदार जिनको हम बार बार बोलते हैं भावी आमदार जो आमदार पद के दावेदार है, जो हकीकत में आमदार पद के जो दावेदार है उसके लिए हम उनको भावी आमदार हमेशा कहते हैं और उनका ये जो जन्मदिन है हम उनको ये शुभेच्छा देते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग उनका बोलते हैं ना जियो हज़ारों साल और हज़ारों साल जीते जीते इस चेंबूर का जो प्रगति है और चेंबूर के लोगों को जो रिक्वायर है वो करते रहेंगे वो। हाँ, धनंजय कोलकर सामाजिक प्रतिष्ठान की तरफ से मैं धनंजय कोलकर जी को इस जन्मदिन के बारे में हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उसी तरह उनके जो इच्छा है जो आकांक्षा है वो तय दिल से पूरी हो, ये मैं भगवान के ओर से प्रार्थना करूँगा। अभी यहाँ पर देखा जाएगा कि काफ़ी सारे युवक और लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो अपने धनंजय भाई को जन्मदिन की मुबारक देने के लिए।